हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी यूट्यूब में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे, तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है, आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है, तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोज भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी पावर डायोड। ये लेक्चर नंबर 30 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, टाइप्स ऑफ पावर डायोड, कैरेक्टरिस्टिक एंड वर्किंग ऑफ पावर डायोड। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपन देखते हैं आउटलाइन ऑफ द वीडियो, यानी कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पावर डायोड, यानी जो फंडामेंटल है पावर डायोड के वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अपन देखेंगे सिंबल ऑफ पावर डायोड। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्नल डायोड एंड पावर डायोड। उसके बाद अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड। फिर मैं डिस्कस करूंगी VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। फिर अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड। तो ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक्स ऑफ पावर डायोड। ये पावर डायोड क्या होते हैं? तो पावर डायोड एक बेसिकली एक टाइप ऑफ डायोड है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो डायोड, सिंपल डायोड हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली हमारा पावर डायोड होता है। पावर डायोड बेसिकली एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, बस इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो पावर डायोड की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए हम अपने सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे यही लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी वी यूज पावर डायोड बाय स्मॉल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करके हम उसे पावर डायोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर डायोड बेसिकली एक सिंपल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। बस उनमें डिफरेंस क्या है, आपके ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में दो लेयर होती हैं, पी टाइप और एन टाइप लेयर, और दोनों का डोपिंग लेवल सेम होता है। जबकि पावर डायोड में तीन लेयर्स होती हैं, एक पी लेयर होती है और दो एन लेयर होती हैं, और उनके डोपिंग लेवल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पावर डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, जैसे हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में होते हैं, और एक सिंगल पीएन जंक्शन होता है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि जो पावर डायोड होता है वो बिल्कुल हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड, जिसे हम सिग्नल डायोड भी कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। बस इसमें तीन लेयर्स होती हैं, दो टर्मिनल होते हैं और एक सिंगल पीएन जंक्शन होता है। पावर डायोड का बेसिकली हम यूज करते हैं रेक्टिफायर सर्किट्स में, यानी कुछ कन्वर्टर सर्किट में यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में हम यूज करते हैं,
फ्लाईबैक और फ्री व्हील डायोड के लिए हम पावर डायोड का यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी पावर डायोड का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ हम पावर डायोड का यूज़ करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। अब अपन देखते हैं स्विचिंग स्पीड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर डायोड की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन पावर डायोड की स्विचिंग स्पीड लो होती है एज कंपेयर टू सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। जो हमारे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड हैं उससे भी पावर डायोड की स्विचिंग स्पीड कम होती है। तो ये बेसिक्स हैं पावर डायोड के। अब अपन देखते हैं सिंबल ऑफ पावर डायोड। जो पावर डायोड का सिंबल होता है वो बिल्कुल हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जैसा होता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल। ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा कैथोड रीजन है डायोड का, और ऑपोजिट में एनोड रीजन होता है डायोड का। यानी पी साइड से हम एनोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और एन साइड से हम कैथोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और ये एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यानी पावर डायोड भी एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, इससे भी करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टूवर्ड कैथोड। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ये एक्चुअल डायोड का पिक्चर है, यानी पावर डायोड कुछ इस तरह के दिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर डायोड का और जो हमारे कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनके लेयर स्ट्रक्चर में यानी उनके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होने के कारण पावर डायोड की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे आप देखिए पावर डायोड थोड़े ब्रॉड से दिखते हैं, थोड़े डिफरेंट दिखते हैं हमारे कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड से। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्नल डायोड एंड पावर डायोड। अब यहाँ पे मैं आपको सिग्नल डायोड यानी हमारे जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड हैं उनको हम सिग्नल डायोड भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे अपन सिग्नल डायोड और पावर डायोड के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है इसके लेयर स्ट्रक्चर में, यानी जो हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड हैं जिन्हें हम सिग्नल डायोड भी कहते हैं, उसके लेयर स्ट्रक्चर में केवल दो लेयर होती हैं, एक पी टाइप लेयर और एक एन टाइप लेयर, और दोनों लेयर हमारी सिमिलर डोप्ड लेयर होती हैं, यानी दोनों का डोपिंग लेवल सेम होता है। जबकि जो पावर डायोड होते हैं उनमें तीन लेयर होती हैं, एक पी लेयर होती है और दो एन लेयर होती हैं, और सबका डोपिंग लेवल डिफरेंट होता है। यानी जो हमारी टर्मिनल लेयर्स होती हैं, टर्मिनल लेयर जो यानी जो आउटर लेयर होती हैं वो हमारी हाईली डोप्ड लेयर होती हैं, और जो इनर लेयर होती है वो लाइटली डोप्ड लेयर होती है। दोनों में दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड कनेक्ट होता है पी साइड और कैथोड कनेक्ट होता है एन साइड। तो सिमिलरली पावर डायोड में भी दो टर्मिनल हैं, एनोड और कैथोड। एनोड कनेक्ट है पी साइड टर्मिनल में और कैथोड कनेक्ट है एन पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस। अब अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पावर डायोड का जैसे मैंने आपको बताया कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है सिग्नल डायोड की वो होती है प्लस माइनस 15 वोल्ट। इतना वोल्टेज हमारा ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड हैंडल कर सकता है, जबकि पावर डायोड की वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है किलो वोल्ट्स में, यानी कुछ फ्यू किलो वोल्ट्स की वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है पावर डायोड की। तो ये बहुत ज़्यादा है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड से। नेक्स्ट, करेंट रेटिंग। करेंट रेटिंग ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की होती है माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर तक, जबकि पावर डायोड की करेंट रेटिंग होती है एम्पियर से किलो एम्पियर तक। तो ये भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अपन देखते हैं पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। तो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी सिग्नल डायोड की होती है मिली वॉट से लेकर वॉट तक, जबकि पावर डायोड की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वॉट से किलो वॉट तक।
तो ये तीन पैरामीटर हैं, तीनों पावर डायोड के ज्यादा होते हैं, यानी पावर डायोड में वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, करंट रेटिंग इसकी ज्यादा होती है और पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि पावर डायोड हैव हाई रेटिंग, यानी इसके वोल्टेज, करेंट और पावर रेटिंग हाई होती है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पावर डायोड होते हैं वो बिल्कुल हमारे रेगुलर डायोड से, यानी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जैसे ही होते हैं, केवल इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। वो क्या चेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, या सिग्नल डायोड भी जिन्हें हम कहते हैं, उसमें दो लेयर्स होती हैं, पी और एन लेयर, और दोनों का डोपिंग लेवल सेम होता है। जबकि यहाँ पे आप देखिए, इसमें तीन लेयर्स हैं, एक पी टाइप लेयर है और दो एन टाइप लेयर हैं, और इनके डोपिंग लेवल डिफरेंट हैं। यानी हमारी जो टर्मिनल लेयर्स हैं, पी पॉजिटिव और एन पॉजिटिव, ये हाईली डोप्ड टर्मिनल लेयर्स हैं, इनका डोपिंग कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पे इनका डोपिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पी पॉजिटिव लेयर का डोपिंग कंसंट्रेशन होता है 10^19 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 10^19 का डोपिंग की गई है। इसी तरह एन पॉजिटिव लेयर जो है उसका भी डोपिंग कंसंट्रेशन सेम है, 10^19 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 10^19 डोपिंग कंसंट्रेशन है, डोपिंग की गई है पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो ये दोनों हमारी टर्मिनल लेयर्स हैं, क्योंकि किसी भी डिवाइस की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमेशा टर्मिनल लेयर हैवली डोप्ड होती है, और जो मिडिल लेयर है वो हमारी लाइटली डोप्ड है, यानी एन नेगेटिव लेयर है। ये जो एन नेगेटिव लेयर है वो बिल्कुल हमारे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जैसी है, यानी बिल्कुल लाइटली डोप्ड है। तो इसका डोपिंग कंसंट्रेशन है 10^14 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 10^14 का डोपिंग लेवल है। तो जो हाईली डोप्ड पी टाइप लेयर है उससे हम एनोड टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, जो हाईली डोप्ड एन टाइप लेयर है उससे हम कैथोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और पी टाइप लेयर की जो विड्थ होगी वो हमारी 10 mm के अप्रॉक्स होती है, जिसे हम एनोड टर्मिनल भी कहते हैं। और जो एन पॉजिटिव लेयर है उसकी थिकनेस जो है वो होती है 250 से लेकर 300 mm, और इससे हम कैथोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। एन पॉजिटिव की थिकनेस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमें ज़्यादा करंट फ्लो करने के लिए, हाई पावर रेटिंग के लिए, हाई करंट रेटिंग, हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए हमको इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए है, इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए है, इसीलिए इसका जो लेयर की थिकनेस है वो ज़्यादा है। उसके बाद जो मिडिल की लेयर है, यानी जो हमारा ड्रिफ्ट रीजन है, इसको हम ड्रिफ्ट रीजन भी कहते हैं, ये हमारी एन नेगेटिव लेयर है, इसकी विड्थ वेरी करती है और डिपेंड करती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमें कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम एन नेगेटिव लेयर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी चाहते हैं डिवाइस की, तो ड्रिफ्ट रीजन को ब्रॉड बना दीजिए। अगर आप वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी या ब्रेकडाउन वोल्टेज कम चाहते हो, तो जो विड्थ है ड्रिफ्ट रीजन की उसको रिड्यूस कर दीजिए। तो इसकी विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस। तो बस हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में और हमारे पावर डायोड के स्ट्रक्चर में केवल ये जो एन नेगेटिव लेयर है, यानी ड्रिफ्ट रीजन जो है वो एडिशनल है, बाकी बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है और इनका डोपिंग लेवल डिफरेंट है। इसमें भी केवल एक पीएन जंक्शन है। यहाँ पे आप देखिए, इसका जो पीएन जंक्शन है वो फॉर्म हो रहा है दो डिफरेंट डोपिंग कंसंट्रेशन वाले एरिया के बीच में, यानी पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव के बीच में।
ये इस तरह इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमें मालूम है कि जो लाइटली डोप्ड रीजन होता है उसमें डिप्लीशन रीजन ज्यादा ग्रो करता है। तो जब हम रिवर्स बायस पोलैरिटी अप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड टर्मिनल के अक्रॉस, तो एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव रीजन में। लेकिन थोड़ा ही रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करने पे एन नेगेटिव रीजन, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है या इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर टाइप का होता है, तो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर में डिप्लीशन रीजन बहुत फास्ट ग्रो करता है एज कंपेयर टू हैवली डोप्ड सब्सट्रेट। तो जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक लार्ज डिप्लीशन रीजन डेवलप हो जाता है इस एन नेगेटिव रीजन में, जिसके कारण इस डिवाइस की वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये ड्रिफ्ट रीजन यहाँ पे दिया गया है। जितनी ज्यादा आप वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना चाहते हो या जितना आप ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहते हो डायोड का, उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन है। यही है हमारा पावर डायोड। इसमें भी केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टूवर्ड कैथोड। अब अपन देखते हैं सबसे पहले हमारे सिग्नल डायोड की वर्किंग, यानी जो हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो फटाफट से पहले मैं वो बता देती हूँ आपको, जो हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं उनको हम सिग्नल डायोड भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके लेयर स्ट्रक्चर में केवल दो लेयर हैं, पी लेयर और एन लेयर, दोनों का डोपिंग लेवल सेम है। और पी लेयर से हम एनोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और एन लेयर से हम कैथोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। अब ये जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है वो दो रीजन में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस रीजन में और रिवर्स बायस रीजन में। तो ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन बताऊंगी और उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं अपने डायोड को तो एनोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, कैथोड को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी। जब हम इस टाइप की पोलैरिटी अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है। अब अपन देखते हैं द वर्किंग ऑफ सिग्नल डायोड, यानी हमारा सिग्नल डायोड कैसे वर्क करता है, उसका लेयर स्ट्रक्चर कैसा है। एक्चुअली आपको डेफिनेटली मालूम होगा, ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग क्या होती है। मैं केवल आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सिग्नल डायोड यानी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूरी जानकारी है, तब भी अपन यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं। जो हमारे सिग्नल डायोड होते हैं उसमें दो लेयर होती हैं, पी लेयर और एन लेयर। दोनों हमारी लेयर सिमिलर डोप्ड लेयर हैं, यानी दोनों का डोपिंग कंसंट्रेशन सेम होता है। पी टाइप लेयर से एनोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, एन टाइप लेयर से कैथोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। ये एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, करंट हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अपन इसकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड दो रीजन में ऑपरेट होता है, फॉरवर्ड बायस रीजन में और रिवर्स बायस रीजन में। तो इसकी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक भी अपन देखते हैं। जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन डायोड की, जब हमारा डिवाइस फॉरवर्ड बायस होता है तब हम एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जब इस टाइप की पोलैरिटी हम अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं डायोड इज सब्जेक्टेड टू फॉरवर्ड बायस, यानी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया है। अब जैसे ही ये फॉरवर्ड वोल्टेज हमारे डायोड में हम अप्लाई करते हैं, एक स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है डायोड में एनोड से कैथोड की ओर, क्योंकि हमारे पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। जब भी एक पी टाइप और एन टाइप को हम ज्वाइन करते हैं और कोई भी पोलैरिटी अप्लाई नहीं करते, एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है जंक्शन के अक्रॉस।
तो ये डिप्लीशन रीजन जो है वो एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करता है और फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, जिसके कारण जब हम स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं डिवाइस में और एक स्मॉल फॉरवर्ड करेंट फ्लो होता है। यहाँ पे ग्राफ में देखिए स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे हम इस अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन जंक्शन के अक्रॉस बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है और लार्ज करेंट फ्लो होने लगता है एनोड से कैथोड की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस लार्ज करेंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड करेंट, और जिस वोल्टेज पे डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय होता है या कोलैप्स होता है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन डायोड के लिए होता है 0.7 वोल्ट। जैसे ही हमारा फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज के इक्वल होता है, जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर जो है वो रिमूव हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है एनोड से कैथोड की ओर, और हम कहते हैं कि डिवाइस हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। जो फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है पीएन जंक्शन डायोड में वो होता है मिली एम्पियर का। अब नेक्स्ट है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड के केस में हम रिवर्स पोलैरिटी अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल डीसी सोर्स की, यानी एनोड टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, कैथोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। जब इस टाइप की पोलैरिटी हम अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं डिवाइस इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बायस। और जैसे ही हम रिवर्स पोलैरिटी अप्लाई करते हैं जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है जंक्शन के अक्रॉस उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, और डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होने से जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो जाता है जिससे डिवाइस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन एक स्मॉल करंट फ्लो होता है डिवाइस में। यहाँ आप देखिए एक स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है डिवाइस में, ये करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट के कारण, यानी पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर होल हैं उनके मूवमेंट के कारण, जंक्शन के अक्रॉस उनके मूवमेंट के कारण एक स्मॉल रिवर्स करंट फ्लो होता है डिवाइस में, जिसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये करंट हमारे रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि ये करंट डिपेंड करता है डिवाइस के टेम्परेचर पे, यानी अगर हमारे डायोड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है डिवाइस के, ना कि अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज पे। तो जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं हमारा कांस्टेंट रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है डिवाइस में, लेकिन धीरे धीरे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है और लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है डिवाइस में कैथोड से एनोड की ओर रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये जो रिवर्स वोल्टेज कहलाता है जिसमें हमारा जंक्शन ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या VBR, और इस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और ये रिवर्स करंट इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि हमारा डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, यानी ये जो रिवर्स करंट है वो हमारे डायोड को डैमेज भी कर सकता है। तो डायोड को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारे डायोड को प्रोटेक्ट करता है इस लार्ज रिवर्स बायस करंट से। तो रिवर्स बायस के केस में हम कह सकते हैं कि हमारे डिवाइस का पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा स्मॉलर देन होना चाहिए VBR से, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से। द डिवाइस पीक इनवर्स वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये हमारी
फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वर्किंग है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। अब अपन देखते हैं कि पावर डायोड की वर्किंग कैसी है। तो पावर डायोड की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले उसका लेयर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो लेयर स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें तीन लेयर होती हैं, दो हैवली डोप्ड लेयर होती हैं पी पॉजिटिव और एन पॉजिटिव, और एक लाइटली डोप्ड लेयर होती है एन नेगेटिव। ये एन नेगेटिव वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट रीजन, और इसकी विड्थ को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमें कितना रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए है या कितनी वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी डिवाइस की चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग हम एन नेगेटिव लेयर को कम या ज़्यादा उसकी विड्थ को कर सकते हैं। इसके जो हैवली डोप्ड रीजन होता है उससे हम पी टाइप रीजन से हम एनोड टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, एन साइड से कैथोड रीजन कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक इसकी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में बस यही है कि जब हम इसमें फॉरवर्ड पोलैरिटी अप्लाई करते हैं डिवाइस में तो जो डिप्लीशन रीजन है वो पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव के अक्रॉस डेवलप होता है। तो धीरे धीरे फॉरवर्ड वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओगे तो ये डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हो जाएगा, और जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन दी है वो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है, और ये जो येलो लाइन दी है वो हमारे पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है या जो नी वोल्टेज होता है वो जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जो पावर डायोड होते हैं उनका थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज वेरी करता है 0.8 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में। यानी अगर हम एक एन नेगेटिव लेयर लगा देते हैं और ये पावर डायोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस करने के लिए हमको ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज की ज़रूरत होती है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे दोनों के थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिए हैं। अब अपन रिवर्स बायस की बात करते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन है पावर डायोड की, पावर डायोड का बेसिकली यूज़ करते हैं लार्ज पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी के लिए। तो जब हम डायोड में रिवर्स पोलैरिटी अप्लाई करते हैं, यानी एनोड को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के और कैथोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, तो क्या होता है, एक लार्ज डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव लेयर में। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो लाइटली डोप्ड लेयर होती है या लाइटली डोप्ड सब्सट्रेट होता है उसमें डिप्लीशन रीजन बहुत फास्ट ग्रो करता है एज कंपेयर टू हैवली डोप्ड सब्सट्रेट। तो पी टाइप रीजन में स्मॉल डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, लेकिन एन टाइप रीजन में बहुत ज़्यादा डिप्लीशन रीजन ग्रो कर जाएगा, जिसके कारण एक स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे तो एक स्मॉल करंट फ्लो होगा रिवर्स डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट। ये रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट के कारण, जैसा हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में फ्लो हो रहा था। यानी पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर हैं और एन साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर हैं उनके मूवमेंट के कारण रिवर्स डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट फ्लो होता है, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। ये कुछ माइक्रो एम्पियर्स का होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम अपने रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एन नेगेटिव लेयर लगाने की वजह से पावर डायोड में लार्ज डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है, तो इस डिप्लीशन रीजन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ये रिवर्स बायस जंक्शन ब्रेक डाउन होगा, यानी डिप्लीशन रीजन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगा डिवाइस में, और ये लार्ज रिवर्स करंट इतना लार्ज होगा कि ये हमारे डिवाइस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो उसके लिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इस रिवर्स करंट से हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में डिफरेंस देखिए, वर्किंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस
डिफरेंस ये है कि लाइटली डोप्ड सब्सट्रेट में डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमें लार्ज वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है जंक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए। डिफरेंस ये है कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड का, वो बहुत कम होता है और एन नेगेटिव लेयर लगाने की वजह से, यानी ड्रिफ्ट रीजन की वजह से, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है हमारे पावर डायोड का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक से कह सकते हैं कि जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है या जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है पावर डायोड में, वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड से। अब जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो कम होना चाहिए हमारे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से। डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पीआईवी पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग कम होनी चाहिए वीबीआर से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि इनके डोपिंग कंसंट्रेशन हर लेयर के डिफरेंट हैं, तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो डोपिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के, यानी अगर हम डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो डिवाइस की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो डिवाइस की करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी को, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी को और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी इसकी रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए हमें हाई कंसंट्रेशन वाले, हाई डोपिंग वाले सब्सट्रेट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम जो टर्मिनल लेयर होती हैं उनको हाईली डोप्ड करते हैं, और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एक ड्रिफ्ट रीजन का यूज करते हैं, और ये जो ड्रिफ्ट रीजन होता है वो हमेशा हमारा लाइटली डोप्ड सब्सट्रेट होता है, यानी एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, डोपिंग कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी किसी डिवाइस की डोपिंग को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर लाइटली डोप्ड सब्सट्रेक्ट है तो वहाँ पे डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू हैवली डोप्ड सब्सट्रेक्ट, यानी एन नेगेटिव लेयर में बहुत जल्दी डिप्लीशन रीजन ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू पी पॉजिटिव सब्सट्रेक्ट, और ज़्यादा डिप्लीशन रीजन ग्रो करने से वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पावर डायोड का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। ये ग्राफ आप इसी तरह कंपेयर करके बता सकते हो, इनके थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इनके नी वोल्टेज, सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। अब अपन देखते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड, पावर डायोड की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी डायोड में या किसी भी डिवाइस में हम डीसी वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं और एसी वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए। तो जब हम इसमें, जब अपने डायोड में हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो डीसी डायोड पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, वो हमारे डीसी पैरामीटर्स थे, उसमें हम फॉरवर्ड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज और रिवर्स सैचुरेशन करेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फॉरवर्ड वोल्टेज, जैसा कि हमें मालूम है, जो डिवाइस का फॉरवर्ड वोल्टेज होना चाहिए VAK, फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज, वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के। जब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो से ज़्यादा होगा तो एनोड करेंट भी जीरो से ज़्यादा होगा, तो डिवाइस में कुछ ना कुछ एनोड करेंट फ्लो होगा और एनोड करेंट भी जीरो से ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, डिवाइस में एक स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगता है। तो जब भी आप डिवाइस में फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे तो फॉरवर्ड एनोड करंट, कुछ ना कुछ एनोड करंट ज़रूर फ्लो, तो ये हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? बेसिकली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक कर्व की हेल्प से, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम डिवाइस में रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो डिवाइस में माइनॉरिटी कैरियर के कारण एक स्मॉल करंट फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट। और
जैसे जैसे इस वोल्टेज को हम रिवर्स बायस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाते हैं, जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर हैं वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और जंक्शन की डिप्लीशन रीजन को या जंक्शन के अक्रॉस जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करते हैं, जिससे डिप्लीशन रीजन जंक्शन के अक्रॉस खत्म हो जाती है और एक लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है डिवाइस में। जिस रिवर्स बायस वोल्टेज पे जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है, उस अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज को हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि उस वोल्टेज में हमारे डिवाइस की डिप्लीशन रीजन ब्रेकडाउन हो गई है और लार्ज रिवर्स करेंट फ्लो होने लगा है डिवाइस में, तो ये कहलाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और रिवर्स बायस डायोड के केस में हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा कम होना चाहिए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तभी हमारा डिवाइस सेफ रहेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने आपको अभी बता दिया, फिर से एक बार रिवर्स सैचुरेशन करेंट भी बता दिया। अब अपन डिवाइस की एसी पैरामीटर्स देख लेते हैं, यानी एसी डायोड पैरामीटर्स अपन देख लेते हैं। एसी डायोड पैरामीटर का मतलब है जब हम सर्किट में अप्लाई करते हैं या एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये हमने एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया डिवाइस में, ये एनोड टर्मिनल है और ये कैथोड टर्मिनल है। ये डीसी वोल्टेज यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, इस केस में हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा एक एसी इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है। जैसे ही हम डिवाइस में यानी डायोड में एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डिवाइस जो है वो कंडक्ट करता है, यानी एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही हम स्टार्टिंग में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डिवाइस को कंडक्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है। यहाँ पे आप देखिए डिवाइस एकदम से अपनी ऑन स्टेट में नहीं चला जाता, धीरे धीरे हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो डिवाइस को कुछ टाइम लगता है कंडक्ट करने में या अपनी ऑन स्टेट में आने के लिए। तो ये जो टाइम होता है डिवाइस का जीरो से लेकर अपनी कंडक्शन स्टेट में आने के लिए, वो टाइम कहलाता है फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। मैं आपको इसको डिफाइन करके भी बता देती हूँ कि डायोड विल टेक सम टाइम टू मूव इनटू द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, डिवाइस को अपनी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आने के लिए कुछ टाइम लगता है और इस टाइम को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एफ से। तो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम क्या हो गया, द टाइम रिक्वायर्ड अ डायोड टू मूव इनटू द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, मतलब तो ये जो टाइम होता है डिवाइस का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आने के लिए, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। अब जब हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया तो डिवाइस कंडक्ट करने लगा और उससे एक मैक्सिमम आईएफ करंट जो है, फॉरवर्ड करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा डिवाइस में फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब ये फॉरवर्ड करंट तब तक फ्लो होगा जब तक हम फॉरवर्ड बायस पोलैरिटी अप्लाई करेंगे डायोड में, यानी जीरो से लेकर पाई बाय टू तक ये फॉरवर्ड करंट हमारा फ्लो होगा। उसके बाद जैसे ही हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे डायोड के अक्रॉस, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा, लेकिन एकदम से उसका सारा करंट रिड्यूस नहीं होगा, या ऐसा नहीं है कि एकदम से करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा डिवाइस में। डिवाइस में करंट धीरे धीरे रिड्यूस होता है और ज़ीरो होता है। ये धीरे धीरे रिड्यूस होने का मतलब है कि डिवाइस में कुछ रेसिड्यूअल चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनके कारण धीरे धीरे करंट जो है वो रिड्यूस होता है, एकदम से ज़ीरो नहीं होता। अब पाई बाई टू के बाद जब हम इसमें नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई है एसी वोल्टेज की और ये नेगेटिव सप्लाई है, तो पाई बाय टू के बाद जब हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं वोल्टेज की, तो अपन देखते हैं कि क्या होता है। जब जैसे ही हम ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड के अक्रॉस, डायोड एक ओपन स्विच की तरह काम करने लगता है और टर्न ऑफ हो जाता है,
लेकिन जब डायोड टर्न ऑफ होता है तो सडनली उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे चार्ज कैरियर मूव आउट हो जाते हैं, डायोड में करंट एकदम खत्म हो जाता है। जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक रिवर्स करंट जो है वो फ्लो होता है डिवाइस में, और धीरे धीरे ये रिवर्स करंट अपने पीक पर पहुंचता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है, और उसके बाद फिर से धीरे धीरे वो रिड्यूस होना स्टार्ट करता है और अपने जीरो पे पहुंच जाता है 180 डिग्री पे, यानी पाए पे आप देखोगे धीरे धीरे हमने अपने रिवर्स बायस वोल्टेज को भी रिड्यूस किया। जैसे ही ये रिवर्स बायस वोल्टेज भी रिड्यूस करते जाएंगे धीरे धीरे हमारा रिवर्स करंट भी रिड्यूस होगा, और एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाए पे यानी 180 डिग्री पे हमारा जो करंट है वो फिर से जीरो हो जाएगा। तो जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है रिवर्स करंट को मैक्सिमम में पहुंचने से फिर उसको रिड्यूस होके जीरो में आने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम, और ये कॉम्बिनेशन होता है TA+TB टाइम का, यानी दोनों टाइम पीरियड का, यानी जीरो से लेकर मैक्सिमम नेगेटिव करंट रीच करने से लेकर फिर से रिड्यूस होने का जो टोटल टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। तो यहाँ पे यही लिखा है, द रिवर्स रिकवरी टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट फॉरवर्ड करेंट रीच इज जीरो। वो टाइम होता है जिसमें हमारा फॉरवर्ड करेंट जीरो हो गया एंड द इंस्टेंट रिवर्स करेंट डिके टू 25% ऑफ IRR, यानी वो टाइम जिसमें फॉरवर्ड करेंट जीरो हो जाएगा और रिवर्स करेंट फिर से हमारे 25% पे आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू से, यानी RR के 25% पे आ जाएगा। तो वो ये पॉइंट है, तो ये जो टोटल टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। आफ्टर दिस टाइम द डायोड इज सेट टू अटेंड इट रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, और इस टाइम के बाद हम कह सकते हैं कि डायोड रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी अटेंड करता है। और TRR जो होता है यानी रिवर्स रिकवरी टाइम हमेशा इक्वल होता है TA टाइम के और TB टाइम के। और एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर है डायोड की टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर, यानी कितनी सॉफ्टली डायोड अपने रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को अचीव कर रहा है, या डायोड कितनी जल्दी या कितनी सॉफ्टली करंट को जीरो पे डिके कर रहा है उसको हम कहते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर। और ये रेशियो होता है द रेशियो ऑफ टाइम TB एंड TA, यानी TB और TA का जो रेशियो होता है उसे हम सॉफ्टनेस फैक्टर कहते हैं। इफ ए डायोड हैज सॉफ्टनेस फैक्टर इक्वल टू यूनिटी इट इज नोन एज सॉफ्ट रिकवरी डायोड, तो हम कहेंगे कि डायोड हमारा एक सॉफ्ट रिकवरी डायोड है। और अगर हमारा सॉफ्टनेस फैक्टर डायोड का लेस देन यूनिटी है तो हम कहेंगे ये फास्ट रिकवरी डायोड है या स्नैपी रिकवरी डायोड है। तो सॉफ्टनेस फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए सॉफ्ट रिकवरी डायोड के लिए, अगर ये लेस देन 1 है तो हम कहेंगे ये फास्ट रिकवरी डायोड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मोस्टली कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से पूछा जाता है, कई बार इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। TA और TB की वैल्यू आपको दी रहेगी या TA डिफाइन करने को बोला जाएगा, TA क्या होता है TB क्या होता है। तो इस ग्राफ से आप समझ लीजिए कि अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड के रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे और उसके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के बेस पे पावर डायोड को 3 तरह से क्लासिफाई किया है। पहला होता है जनरल पर्पस PN जंक्शन पावर डायोड, दूसरे कहलाते हैं फास्ट रिकवरी पावर डायोड, और तीसरे कहलाते हैं शॉटकी डायोड। तो 3 टाइप के पावर डायोड हमारे पास होते हैं। ये जो जनरल पर्पस PN जंक्शन डायोड है वो पावर डायोड है एक्चुअली, ठीक है। तो 3 टाइप के पावर डायोड्स होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जो जनरल पर्पस PN जंक्शन पावर डायोड होते हैं, दे आर यूज फॉर लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस। इनका जनरली हम लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन वगैरह के लिए, क्योंकि इनका रिवर्स रिकवरी टाइम हाई होता है।
लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया इनका हम यूज़ करते हैं, तो इनकी करंट रेटिंग और इनकी वोल्टेज रेटिंग हाई हो। एट लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन दीज डायोड आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज करंट रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग जो होती है इन डायोड की वो वेरी करती है 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक। बहुत हाई वोल्टेज रेटिंग होती है इनकी और इनका रिवर्स रिकवरी टाइम भी ज़्यादा होता है 25 माइक्रोसेकेंड्स तक का, यानी TRR की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 25 माइक्रोसेकेंड्स। जो एप्लीकेशन है जनरल पर्पस पीएन जंक्शन पावर डायोड की वो है इनका बेसिकली हम यूज़ करते हैं UPS में, बैटरी चार्जर्स के लिए, वेल्डिंग के लिए, इन सब में हम जनरल पर्पस पीएन जंक्शन पावर डायोड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फास्ट रिकवरी डायोड। दीज डायोड हैव लो रिवर्स रिकवरी टाइम। इन डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम लो होता है एज कंपेयर टू जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। जो हमारे जंक्शन जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड होते हैं यानी जो हमारे जनरल पर्पस पावर डायोड हैं उनसे फास्ट रिकवरी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम कम होता है। कम होने के कारण ये जल्दी रिकवर कर जाए। जल्दी रिकवर करने की वजह से इनका टर्न ऑफ टाइम जो है टर्न ऑफ बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है। इसीलिए इनका हम बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जल्दी टर्न ऑफ होते हैं, जल्दी रिकवर करते हैं, इनकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है, इसीलिए इनका हम हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि SMPS, कम्यूटेशन सर्किट, चॉपर, इंडक्शन हीटिंग, डायोड कन्वर्टर्स, बेसिक इसके लिए हम फास्ट रिकवरी डायोड का यूज़ करते हैं। जो वोल्टेज रेटिंग होती है फास्ट रिकवरी डायोड की वो वेरी करती है 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट तक और रिवर्स रिकवरी टाइम 5 माइक्रो सेकेंड्स का होता है, उससे भी कम होता है यानी लेस देन 5 माइक्रो सेकेंड्स का होता है। जबकि जो ऑर्डनरी पीएन जंक्शन पावर डायोड होते हैं उनका रिकवरी टाइम अप्रॉक्स 25 माइक्रो सेकेंड्स का होता है, तो उसकी उसकी स्विचिंग स्पीड कम होती है और इसकी स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होती है। ये फास्ट रिकवरी डायोड है, ये जल्दी टर्न ऑफ होते हैं। इनका एप्लीकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया SMPS में, कम्यूटेशन सर्किट में, चॉपर सर्किट में, इंडक्शन हीटिंग में, AC टू DC कन्वर्टर्स में इनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शॉटकी डायोड। ये जो शॉटकी डायोड हैं वो एक अनदर टाइप के सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड हैं। इनका ये एडवांटेज है कि इनका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है हमारे कन्वेंशनल सिलिकन पीएन जंक्शन डायोड से। शॉटकी डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है कन्वेंशनल सिलिकन पीएन जंक्शन डायोड से। यहाँ पे यही लिखा है द शॉटकी डायोड इज अनदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड बट हैव द एडवांटेज दैट देयर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज सब्सटेंशियली लेस देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड। इन डायोड को हम हॉट कैरियर डायोड्स भी कहते हैं और ये डायोड फॉर्म होते हैं, ये डायोड जंक्शन फॉर्म करते हैं एक सेमीकंडक्टर और मेटल के बीच में। यानी यहाँ दो सेमीकंडक्टर का हम यूज़ नहीं करते जंक्शन को फॉर्म करने के लिए, हम एक मेटल का यूज़ करते हैं और एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं और एक जंक्शन फॉर्म करते हैं और इस डायोड को हम कहते हैं शॉटकी डायोड। इसका लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.3 से 0.4 वोल्ट और इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो ये हमारे शॉटकी बैरियर डायोड कहलाते हैं। और रिवर्स बायस कंडीशन में शॉटकी डायोड लार्ज रिवर्स रिकवरी करंट देते हैं और इनका लो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 50 to 100 वोल्ट। इन द रिवर्स बायस कंडीशन शॉटकी डायोड हैव लार्ज रिवर्स लीकेज करेंट एंड देयर फोर लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज। शॉटकी डायोड आर आइडल फॉर हाई करेंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन। जो शॉटकी डायोड होते हैं वो हाई करेंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए बहुत सुटेबल हैं, जैसे कि DC पावर सप्लाई। शॉटकी डायोड का बहुत एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। रेक्टिफिकेशंस में हम इनका यूज़ करते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं, TTL और CMOS लॉजिक गेट्स के लिए हम इनका यूज़ करते हैं क्योंकि इनका पावर कम होता है और फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है। तो ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके तीनों टाइप के पावर डायोड की।
तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है पावर डायोड का। तीन टाइप के डायोड होते हैं, एक जनरल पर्पस पीएन जंक्शन पावर डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉटकी डायोड। तो ये पूरा पावर डायोड का एक पैकेज था, यानी मैंने आपको यहाँ पे पावर डायोड के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप और वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए वीडियो पे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए है तो मेरी वेबसाइट पे आप देख सकते हो, जो है www.quick-learn.in, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वहां से जाके आप मेरी वेबसाइट में सारे टॉपिक के नोट आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। बाय बाय।